जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट, दिस इज अंकित मौर्य। जैसा कि आपको पता है, जो भी स्टूडेंट बीटीयूपी से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनका था ऑड सेमेस्टर यानी 1/3 एंड 5th सेमेस्टर। उसका एग्जाम मार्च 2021 में हो चुका था, जिसका रिजल्ट 30 जून 2021 को आ गया है। सभी स्टूडेंट ने रिजल्ट देख लिया, लगभग शाम को रिजल्ट आया था, साइट नहीं चल रही थी रात के, काफी स्टूडेंट लगभग 12 बजे के बाद अगर कहा जाए साइट बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथली तरीके से चल रही थी। मैंने भी अपना रिजल्ट शाम के टाइम में तो नहीं देख पाया, लेकिन रात में लगभग जो मेरे फ्रेंड्स सर्कल में थे वो क्लासमेट वगैरह, उन्होंने लगभग 2 बजे ही मुझे भेज दिया, तो मैं देख लिया था कि मेरा भी रिजल्ट किसी ने देख के बता दिया, हाँ रिजल्ट आपका इतना आया। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कितना परसेंट आया है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पिछले कई वीडियो बनाए जिसमें मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि भाई आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं वह बैक से लेकर के है, यानी आपका अगर बैक है या आपके दोस्तों का बैक है या उनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं या उसमें एमडब्ल्यू शो हो रहा है या जो बैक पेपर है उसका ऑनलाइन एग्जाम होगा या नहीं होगा और जनरल मार्किंग हुई है या नहीं हुई है, साथ में रिजल्ट कैसा रहा है, इन सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा किसी को काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा उसी में से मैं क्वेश्चन चूज किया हूं, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं तो आपके दोस्तों के लिए काम में आ सकती है। अगर आपने इन सब के बारे में समझा तो आप अपने दोस्तों को तो जरूर ही बता सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अब चलिए मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, बैक लगी है, ठीक है, जिस भी स्टूडेंट की बैक लगी है वह उसे क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए राइट सोल्यूशन क्या है, वह स्कूटनी फॉर्म भरे या रीचेक भरे, क्या उनके लिए सही रहेगा। तो मैं आपसे पहले बता दूं कौन भरना चाहेगा, मतलब कौन कौन स्टूडेंट है जो भरे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, जिसका भी मतलब जो भी स्टूडेंट है अच्छे से उन्होंने एग्जाम दिया है, ठीक है, बहुत अच्छे से उन्होंने एग्जाम दिया है, लेकिन उनका रिजल्ट बहुत कम आया है, वो स्टूडेंट रीचेक भरेंगे। स्कूटनी नहीं आपको भरना, स्कूटनी में 60-70 रुपए लगभग लगते हैं और उसमें सिर्फ मार्क्स के ऊपर से काउंटिंग की जाती है, जबकि रीवैल्यूएशन या कह सकते हैं रीचेक का जो फॉर्म भरते हैं उसमें 500 रुपए लगते हैं और इसी के आसपास, और इसका जो करने पे आपको काफी अगेन चेक की जाती है, आप चेक करते हैं नहीं करते हैं तो पता नहीं, लेकिन अगेन चेक की जाती है, ठीक है, और आपको नंबर दिए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं हर्षित भाई का, मैथ में वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने 40 मार्क्स का बता रहे थे, क्वेश्चन हम टच करके आए हैं, पूरा किए भी हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 10 मार्क्स दिए गए हैं, तो सोच सकते हो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है। तो इस प्रकार के जो भी स्टूडेंट है वह अपना रीवैल्यूएशन फॉर्म जरूर भरें। अब देखिए दूसरी बात, जिसका 17 मिनिमम मार्क्स है या 20 मिनिमम है, किसी किसी 20 होगा किसी 17 होगा, तो जिसका भी मिनिमम मार्क्स है जैसे 5 नंबर कम, ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर या इस टाइप से बोल सकते हो, और उन्होंने लगभग बोल सकते हो कि 30 नंबर या 25 नंबर तक भी क्वेश्चन को टच किया है, तो वो भी स्टूडेंट रीचेक का फॉर्म भरेंगे। स्कूटनी मैं कहूंगा कोई ना भरे तो अच्छा है, 60 रुपए उसमें बहुत कम, अगर मैं बात करूं 15,000 बच्चों ने भरा तो उसमें लगभग 150 लोग का बहुत ज्यादा, ये भी बता रहा हूं, इतने लोग का स्कूटनी में क्लियर होता है, जबकि वहीं पर रीचेक में आपके ज्यादातर चांसेस होते हैं क्लियर होने के। अब दूसरी बात, नहीं एक और इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताता हूं, देखिए अगर किसी का मार्क्स जैसे मान लो 40 या 45 नंबर 50 नंबर पूरा किया, उसको लगता है मेरे 40 नंबर आने चाहिए लेकिन उसका 20 नंबर के आसपास आया, वह चाहता है कि मेरे नंबर और बढ़ जाए मैं रीचेक भर दूं, तो ध्यान दीजिएगा अपने रिस्क पे या कीजिएगा, ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूं, उसमें क्या होगा इस कंडीशन में आप पास है, ठीक है, आपके 70 ज्यादा नंबर आप पास है, आपका बैक नहीं लगा है, तो इसमें ये भी हो सकता है आपका नंबर कम कर दिया जाए या फिर आपका नंबर बढ़ा दिया, दोनों चांसेस है, इसलिए इस प्रकार के स्टूडेंट संभल कर रहेंगे। अब वीडियो को अंत तक देखते रहो, अभी आगे और भी डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं। डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स हो या फिर जेई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप के साथ आप किसी भी समय 3 स्टेप में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोन पर आना है और प्ले स्टोर पर सर्च करने हैं फिलो ऐप, या फिर डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके साइन अप कर लेना है, फिर अपने उस क्वेश्चन की आपको पिक लेनी है या फिर उसे टाइप कर सकते हैं या फिर गैलरी से लेकर के उसको अपलोड करना है। 60 सेकेंड के अंतर्गत एक्सपर्ट आ करके वीडियो कॉल के जरिए आपके डाउट को क्लियर करेंगे। अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू।
अगर आप इस ऐप का प्रीमियम ले रहे हैं तो STP001 रेफर कोड को यूज करना ना भूलें, इससे आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएंगे। चलिए और भी मैं आपके डाउट क्लियर करता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर एक हमने बता दिया, अब बैक क्लियर हो सकती है या नहीं? बिल्कुल क्लियर हो सकती है, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, यह चीज कर देनी है। अगर जब फॉर्म आएगा तो मैं बता दूंगा कि कब फॉर्म वगैरह आया, टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे अपडेट दे दूंगा। अगर वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो बना दूंगा तो बहुत अच्छी, नहीं बना पाया तो वहीं पे अपडेट दे दूंगा कि भैया रिवैल्यूएशन स्कूटनी सबका अपडेट आ चुका, आप लोग कर दीजिए। और बैक क्लियर अगर मान लो ऐसे भी नहीं, रिवैल्यूएशन वगैरह भी कर दिया और क्लियर नहीं हो, तब क्या कर सकते हो, पढ़ाई करते रहो या सब फॉर्म भरो या कुछ करो, वो सब करते रहो, लेकिन उस सब्जेक्ट की जिसमें बैक लगा है उसकी भी पढ़ाई करते रहो। साथ में खास करके फाइनल ईयर की स्टूडेंट टू और जो आपके फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले, उनका तो चल जाए किसी तरीके से, लेकिन जो फिफ्थ सेमेस्टर में थे और इस समय वो सिक्स सेमेस्टर में, वो तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहे क्योंकि उसका एग्जाम होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका फाइनल ईयर है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, 5 नंबर कम है या 6 नंबर कम है तो क्या आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं? जी नहीं, ग्रेस मार्क्स मिलने का यह रूल नहीं होता है कि अभी आपको और सेमेस्टर में ग्रेस मार्क्स दिया जाए। ग्रेस मार्क्स आपको जो 1 ईयर का रिजल्ट बनता है, यानी फर्स्ट और 2 सेमेस्टर को मिला के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, इसमें आपको ग्रेस मिला जाता है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए कि मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट में 5 नंबर की कमी है तो उसका एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बैक 5 नंबर था एक सब्जेक्ट में, उसका एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर में भी होगा तो उसमें क्या होगा, फिर से अगर 5 नंबर 2 नंबर कम आए तब जाके आपको उस सब्जेक्ट में ग्रेस मिलेगा। अगर सेकंड सेमेस्टर में भी बैक आई तो नहीं मिल पाएगा, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में अगर 5-5 नंबर की कमी है या 4 और 6 नंबर कमी है तभी आपको मिलता है, इस बात का ध्यान दें, ठीक। चलिए और एक बात, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ, बैक पेपर कब होंगे? तो बैक पेपर जो ज्यादातर चांसेस है सभी का, हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम हो रहा नहीं भी हो, कोई कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। आपका बैक पेपर एग्जाम ऑनलाइन हो सकते हैं क्योंकि एक स्टूडेंट से बात हुई है, मोनी नाम था, उन्होंने अपने इस कॉलेज से कंफर्म करके बताया, बट कंफर्म नहीं कर सकते एग्जाम होगा, लेकिन पढ़ते रहो, अगर होगा तो दे देना, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, MW शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है? तो MW का मतलब मार्क्स वेटिंग है, तो ध्यान दीजिएगा यह बहुत खतरनाक होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, और ये भी देखो ये कैसे ठीक होगा, अगर नहीं ठीक कराओगे इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर नहीं ठीक कराए तो। इसका मतलब ये लोग क्या करते हैं, मार्क्स वेटिंग लिखे रहते हैं, इसके कई रीजन होते हैं। जैसे मान लो आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके सामने 2-3 स्लिप आती है, साथ में आप एग्जाम दे रहे हैं तो जो आपको कॉपी मिली उस पर रोल नंबर आपको भरने होते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी करोगे, ठीक है, इन्हीं 2-3 कारणों से होता है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई तो ये लोग क्या करते हैं, मार्क्स वेटिंग, और बाद में ये मार्क्स वेटिंग सही नहीं होता है, बाद में ये लोग बैक लगा देते हैं। तो इसके लिए राइट सोल्यूशन है, आप लोग अपने प्रिंसिपल से अच्छे से बात करें, ठीक है। मेरे एक सीनियर थे, उनके साथ भी ऐसा था, उनका बैक दिखा दिया, पहले तो मार्क्स वेटिंग चल रहा था लेकिन कुछ समय बाद उसको क्या किया, बैक दिखा दिया, तो उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल मैम से बात की, उस पे एक्शन लिया और उनका सही हो गया, ठीक है। तो ये इसका राइट सोल्यूशन है, कोई नहीं बताएगा, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए अगला बात करते हैं, प्रैक्टिकल में अब्सेंट लगा है और प्रैक्टिकल हम दिए तो क्या करना चाहिए? जी हाँ, इसके लिए भी आप लोग अपने प्रिंसिपल से बात करें, जो आपके प्रिंसिपल हैं उनसे बात कीजिए, भैया कि आप हमने एग्जाम दिया तो हमारा जो प्रैक्टिकल में बैक कैसे लग गया, ठीक है। और ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल में बैक मतलब इंटरनल बैक, और इंटरनल बैक मतलब सबसे खतरनाक बैक, इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए, इसलिए प्रिंसिपल मिलकर उनको सही करवा लो जल्दी से जल्दी, अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिए हैं, अगर नहीं दिए रहोगे तो वो अगले सेमेस्टर में हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल, लेकिन अगर दिए हो तो उसको ये काम करके सही करवा लो। चलिए इस बार का रिजल्ट कैसा रहा, तो मैं आपको बता दूं, लगभग जैसे पिछली बार का रिजल्ट रहा है उसी तरीके से रहा है, जितना बैक आती है उसी टाइप से, हाँ थोड़ी कम बैक्स आई है, ठीक है, वैसे तो मेरे पास काफी स्टूडेंट आ गए लेकिन थोड़ी कम आई, अगर मैं अपने ब्रांचों में बात करूं तो बहुत कम स्टूडेंट की जो कि बैक आई है। चलिए अगला मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट कैसा रहा, तो होगा, लेकिन जनरल मार्किंग हुई है कि नहीं, मैं आपको बता दूं जनरल मार्किंग भी हुई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, जनरल मार्किंग क्या होती है, सबको लाइक एक जैसा नंबर देना, अब सबके साथ ऐसा नहीं है, आप अपने ब्रांच वाइज देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में सबका नंबर लगभग सेम है। जैसे मैं अपने बात करूं, अपने कॉलेज में इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड एक सब्जेक्ट था, उसमें सभी के नंबर एक जैसे ही हैं, लगभग कह सकते हो 35 प्लस के आसपास और 40 के करीब में सबके नंबर हैं, ठीक है। और मैं बता दूं, एक मेरे क्लास का एक भाई था, उसका जो एग्जाम मतलब जो इलेक्ट्रिकल मशीन, उसका 42 मार्क्स है इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में, जबकि वो कॉलेज भी बहुत कम आता है, कह सकते हो न के बराबर बोल सकते हो, ठीक है, 42 मार्क्स। मैं पूछा भाई कैसे इतना हो गया, कह रहा भाई हो गया ऐसे, तो जनरल मार्किंग वहां पे हुई है, ठीक है। चलिए
अगला बताते हैं आपको, और जो भी काफी स्टूडेंट कुछ भर के आए थे यानी काफी में कुछ ना कुछ लिख के आए थे उनको अच्छे खासे नंबर दिए ही गए हैं। चलिए अगला बता देता हूँ आपको। हाँ, एक बार बैक दिए हैं, ठीक है, अब उसमें ग्रेस मार्क्स मिलेगा या नहीं? जी हाँ, अगर आपने एक बार बैक दे दिया, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी थी, आपने सेकंड सेमेस्टर में उसका एग्जाम दिया, ठीक है, तो आपको अगर सिर्फ दो सब्जेक्ट में बैक लगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के बता रहा हूँ, इसमें किसी दो सब्जेक्ट में पांच पांच नंबर की कमी है, छह और चार नंबर की कमी है, तो आपको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके मान लीजिए बैक नहीं क्लियर, आपको एक ही सब्जेक्ट में 10 नंबर की जरूरत होगी, उसके बाद आप जितनी भी बार बैक दीजिए आपको ग्रेस मार्क्स नहीं उसमें दिए जाएंगे और उसके नंबर भी नहीं ऐड होंगे। बाद में सिर्फ आप जब उसको क्लियर करेंगे 17 से ज्यादा नंबर होंगे तो वहां सिर्फ लिख देगा पास, वो नंबर जुड़ेगा नहीं, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए, बैक पेपर ऑनलाइन होगा कि नहीं? देखिए, हमने बता दिया कि बैक पेपर जो है वो आपका ऑनलाइन कहा जा रहा है, लेकिन देख लीजिएगा जैसा भी होगा, लेकिन पढ़ते रहिए अभी आप बैक पेपर के लिए, ठीक है, अपना जो है उसको भी पढ़ते रहिए, साथ में कुछ टाइम एक्स्ट्रा निकालिए, एक घंटे कम से कम निकालिए उस सब्जेक्ट के लिए और उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। बैक क्लियर कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, मैं यही कहना चाहूंगा। अगला ये देखिए क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि कई स्टूडेंट ने सेंड किया, जो आपके सर्टिफिकेट आए हैं, जो आपके जिस पे नंबर आए हैं पूरे, उस पे लिखा गया है टोटली, ठीक है, उस पे टोटली लिखा गया है कि क्वालिफाई सब्जेक्ट या फिर बैक पेपर का जो भी एग्जामिनेशन होगा विल बी कंडक्टेड इन नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब यही है कि भैया जो भी आपके बैक हो या फिर जो लेटरल एंट्री स्टूडेंट है उनके सब्जेक्ट का पेपर नहीं है, उस सब्जेक्ट को हम नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको कंडक्ट कराएंगे, यानी उसके एग्जाम को लेंगे, यानी जो भी क्वालिफाई पेपर है वो भी पढ़ते रहे और जो भी बैक पेपर है उसको भी पढ़ते रहे। इस वाली जो लास्ट क्वेश्चन है इससे आपको पता चल गया। तो यह टोटल थी अपडेट, आई होप समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बहुत सारे डाउट क्लियर करेंगे। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो भाई बहुत दुख होगा मुझे, क्योंकि बहुत कीमती समय निकाल के ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में। आई होप सब कुछ समझ गए होंगे, कोई डाउट कोई क्वेश्चन कुछ भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपके डाउट और भी कुछ रह गए तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी वहाँ डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाता है, कभी कभी थोड़ा बहुत डिले हो जाता है क्योंकि काफी सारे चैट आ जाती है तो सबका तो पॉसिबल नहीं, लेकिन कोशिश रहती है जितना ज्यादा ज्यादा हो पाए सबका रिप्लाई कर दिया जाए। आई होप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।